जैन क्लास 8। आई होप यू स्टडीड वेरी वेल द लास्ट क्लास। द थर्ड काइनेटिक वॉर वॉज फिनिश्ड यस्टरडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द काइनेटिक वॉर्स, जिसमें फ्रेंच एंड इंग्लिश पीपल के बीच में वॉर्स हुए। And after 1, 2 and 3 wars, finally in 1760 a war happened which was known as the War of Vandivash. इस वांडीवाश के युद्ध में फ्रेंच आर्मी डिफीट हुई, हार गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंग्लिश पीपल बिकेम द मेन रूलर्स ऑफ यू नो मेनी ऑफ द प्लेसेस एंड they got the political supremacy and also they were the main in the list of the traders जो बाहर से आए थे। सबसे ज़्यादा बड़े traders कौन बन गए? British company बन गई, British people बन गए। So now कैसे उन्होंने बंगाल को conquest किया, कैसे उसके अंदर उनका शासन स्थापित हुआ, वो हम पढ़ने वाले हैं। So अली वर्दी खां बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1740 में अली वर्दी खां वहाँ के नवाब बने। नवाब मीन्स किंग। सो ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक एंड एबल रूलर। ही डिस्क्लाइज द एक्टिविटीज ऑफ इंग्लिश। वो इंग्लिश लोगों को पसंद नहीं करते थे, बहुत एबल और समर्थ शासक थे। ही वॉज अगेंस्ट द बिसाइजिंग ऑफ कैलकटा बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने जो बिसाइज यानी कि कब्जा किया था कैलकटा पर, उसके विरुद्ध थे। एंड ही डाइड इन 1756। आफ्टर 16 ईयर्स ही डाइड। सो सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। हु इज़ द नेक्स्ट रूलर? सिराज उद्दौला। एंड शौकत जंग सन ऑफ घसीटी बेगम, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ अली वर्दी खां। अली वर्दी खां की जो सबसे बड़ी डॉटर थी, उनके बेटे शौकत जंग घसीटी बेगम के सबसे घसीटी बेगम के लड़के शौकत जंग वो बनना चाहते थे नवाब। ऐसी कोर्ट सपोर्ट फ्रॉम द दीवान राजबल्ला, मीर जाफर द ब्रदर इन लॉ ऑफ अली वर्दी खान एंड चीफ आर्मी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी कम द नवाब। सो चीफ आर्मी, जो आर्मी के चीफ थे, वो भी बनना चाहते थे। एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन शौकत जंग ऑल्सो वॉन्टेड टू बी द नवाब। तो दोनों नवाब बनना चाहते थे। ऑल दिस अंडर ब्रिटिश पेट्रोनेज वर फैनिंग कॉन्स्पिरसीज। नवाब सिराजुद्दौला वॉज अनॉयड ड्यू टू द फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकटा बाय द ब्रिटिशर्स। तो नवाब सिराजुद्दौला काफ़ी क्रोधित हुए जब उनको पता चला कि ब्रिटिश ने कैलकटा फोर्टिफिकेशन किया है, यानी कि फोर्ट पर कब्जा जमा लिया है। द ब्रिटिश वर ट्रेडिंग इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस। तो ब्रिटिशर्स वहाँ पर टैक्स दिए बिना ही वहाँ पर व्यापार कर रहे थे, एंड जिसके कारण रॉयल ट्रेजरी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, जो सरकारी खजाना था उस पर प्रभाव पड़ रहा था नवाबों की। द ब्रिटिश डिड नॉट गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड गिफ्ट्स नवाब। तो नवाब को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे और अपने हिसाब से व्यापार वहाँ पर कर रहे थे। सो दिस कारण से, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन्स, इस कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स नवाब को फेस करना पड़े। प्रोवोकिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ब्रिटिश कर रहे थे, इस कारण से नवाब उनसे क्रोधित थे, गुस्सा थे। सो नवाब कैप्चर्ड कासिम बाज़ार। नवाब जो थे, नवाब ने कासिम बाज़ार फैक्ट्री जो थी, जो ब्रिटिशर्स की थी, बहुत फेमस थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1756 में उसको, उस पर अधिकार जमा लिया, जीत लिया। एंड डेफिनेटली हिज नेक्स्ट टारगेट वॉज कैलकटा। तो जब वो वहाँ पहुँचे, उसके पहले ही गवर्नर ने, जो गवर्नर ड्रैक नाम के थे, उन्होंने कलकत्ता को छोड़ दिया ट्रेडर्स, वीमेंस एंड चिल्ड्रन के साथ में। वो वहाँ से छोड़कर चले गए एंड नवाब ने इजीली उसको कलकत्ता को कंट्रोल में ले लिया। फिर एक समझौता हुआ विच इज़ नॉन एज द ट्रीटी ऑफ अलीगढ़। सो आफ्टर द फॉल ऑफ कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव लेड एन आर्मी टू बंगाल। क्लाइव इन अ स्मॉल वॉर 1757 कॉन्क्वर्ड कलकत्ता एंड नवाब वॉज डिफीटेड। अब उस छोटे से वॉर में रॉबर्ट क्लाइव ने फिर से नवाब को हरा दिया एंड जो नवाब थे उनको सारी डिमांड्स ब्रिटिशर्स की माननी पड़ी। नेक्स्ट इज
बैटल ऑफ प्लासी एंड वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। जब हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी का काफ़ी जिक्र होता है, विच वॉज फॉट इन 1757। सो विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ अली नगर की ट्रीटी हुई, जितनी भी डिमांड्स या ज़्यादातर डिमांड्स जो थी वो इंग्लिश पीपल की डिमांड्स माननी पड़ी नवाब को, बट फिर भी वो बंगाल को कंट्रोल में रखना चाहते थे नवाब। सो दे इंडल्ज इन इंट्रीग्यूज, क्लाइव ऑक्यूपाइड फ्रेंच कॉलोनी चंद्रनगर एंड नवाब कुड नॉट स्टॉप देम। इसी बीच उन्होंने फ्रेंच कॉलोनी को भी, चंद्रनगर को भी अपने साथ मिला लिया और नवाब उनको रोक नहीं पाए। देन क्लाइव मेड अ सीक्रेट पैक्ट विद मीर जाफर हु वॉज टू रिप्लेस सिराजुद्दौला एज ए नवाब ऑफ बंगाल। तो मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला को हटाकर नवाब बनने वाले थे, उनके साथ एक षड्यंत्र रचा क्लाइव ने। एंड आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी प्रिटेक्स्ट फॉर वॉर वॉज रीच्ड, और कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र के तहत एक वॉर तक कंडीशन पहुंची। नवाब वॉज एक्यूज ऑफ डिसऑनरिंग ट्रीटी ऑफ अली नगर एंड सून आर्मी अंडर क्लाइव सेट आउट फॉर मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद के लिए आर्मी निकली, लेकिन किस कारण से ये युद्ध हुआ? तो षड्यंत्र रचा गया था नवाब सिराजुद्दौला के बाद, जो मीर जाफर बनने वाले थे वहाँ के नवाब, मीर जाफर के साथ मिलकर इंग्लिश पीपल ने षड्यंत्र रचा और मुर्शिदाबाद पर यह कहकर आक्रमण कर दिया कि अली नगर की ट्रीटी का अपमान किया है या उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं सिराजुद्दौला। सो अ बैटल वॉज फोर्ट बिटवीन नवाब एंड ब्रिटिश ऑन 23rd of June 1757 एंड द मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी लेड बाय द ट्रेटर्स मीर जाफर। अब नवाब की आर्मी के साथ कौन थे? नवाब की आर्मी के साथ मीर जाफर थे, जो कि खुद अंग्रेज़ों की तरफ षड्यंत्र का एक हिस्सा थे। राय दुर्लभ एंड वॉर लतीफ डिड नॉट पार्टिसिपेट। सो इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ओके, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े पद पर थे नवाब की आर्मी में, लेकिन इन्होंने उस वार में पार्टिसिपेट ही नहीं किया इन द बैटल। एंड नवाब वॉज डिफीटेड इन किल बाय मीरान सन ऑफ मीर जाफर। तो मीर जाफर के लड़के के द्वारा सिराजुद्दौला को मार दिया गया। द बैटल ऑफ प्लासी हैड नो इंटरफेस विथ इट वॉज अ वॉर ऑफ इमेंस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। द नवाब बिकेम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। जो नेक्स्ट नवाब बने वो एक पपेट यानी कि कठपुतली थे ब्रिटिश के हाथ में, क्योंकि पावर उनके पास नहीं था। पॉलिटिकल लाइफ ऑफ बंगाल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अब वहाँ के पॉलिटिकली सबसे सुपर या सुप्रीम जो पावर था वो ब्रिटिशर्स थे। बैटल ऑफ प्लासी पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश टू लूट बंगाल। अब इसके कारण इस कब्जे होने के कारण ब्रिटिशर्स ने बंगाल को लूटने का जो उनका एक रास्ता था वो पूरी तरह से खुल चुका था, कोई उनके बीच में अब नहीं आने वाला था। सो ही अलाउड ब्रिटिश टू ट्रेड टैक्स फ्री इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। सो बंगाल, बिहार और ओडिशा में तीनों जगह पर, तीनों बड़े एरियाज में, बड़े मार्केट में इंग्लिश कंपनी को बिना टैक्स दिए वहाँ पर व्यापार करने का पावर दे दिया। द कंपनी ऑल्सो गॉट द जमींदारी ऑफ 24 परगनास। कंपनी को जमींदारी भी मिल गई कुछ एरियाज की। एंड द कंपनी रिसीव्ड द राइट टू मिंट कॉइन्स इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में सिक्के बनाने का अधिकार भी मिल गया। बैटल ऑफ प्लासी प्रूव्ड डिसिसिव एज अ कंट्रोल ऑफ बंगाल फेल इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ के शासक से हाथ से शासन चला गया एंड हु बिकेम द पॉलिटिकल पावर, द ब्रिटिशर्स। इस कारण से यह पर्टिकुलर वॉर विच इज़ नॉन एज द बैटल ऑफ प्लासी इज वेरी इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट मी रिमाइंड यू वंस मोर, द कार्नेटिक वॉर्स वर फॉट बिटवीन फ्रेंच पीपल एंड इंग्लिश पीपल। अल्टीमेटली फ्रेंच पीपल वर डिफीटेड इन वॉन्डीवॉश इन 1760 एंड फ्रेंच से जो उनकी राइवल भी खत्म हो गई, क्योंकि फ्रेंच पीपल को उन्होंने हरा दिया था। मेन पावर बिकेम द ब्रिटिशर्स। एंड हाउ डिड दे कॉन्क्वेस्ट बंगाल? षड्यंत्र किया, कुछ ट्रीटी हुई पहले, क्योंकि पहले नवाब ने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद फिर ट्रीटी हुई क्योंकि
फिर से ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ज़्यादातर एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था, कलकत्ता को जीत लिया था। बट जो बंगाल था वो बड़ा एरिया था, उसको जीतने के लिए बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स ने नवाब के ही एक बहुत बड़े मंत्री, सेना के नायक को अपनी तरफ मिला लिया, और जिसका नाम था मीर जाफर, और मीर जाफर के बेटे ने ही नवाब को मार करके युद्ध को ख़त्म किया। एंड अल्टीमेटली जो पावर था बंगाल का वो किसके अंडर आ गया? इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड दे बिकेम द सुप्रीम पावर इन बंगाल, और वो फ्री ट्रेड वहाँ पर करने लगे। दैट्स इट, थैंक यू।